नमस्कार, मैं विवेक मेश्वरी आरती 46 बार फिर आपके सामने आज स्टोनवर्क की और सरीज लेके काफ़ी डिजाइंस सिल्क पे, विचित्र सिल्क वगैरह पे, इस तरीके से, क्योंकि पिछली बार जोड़ जोड़ पे दिखाए थे सारे डिजाइंस, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि कस्टमर सब तरह के होते हैं और सब तरह की डिमांड आती है विचित्र सिल्क पे। एक तो गेटअप बहुत अच्छा आता है, सिल्की आइटम में अलग तरह का होता है। ये देखिए कैरी बनी हुई है और पूरे में इस तरीके से वर्क, जब निकाल लेना अभी आप ही निकाल लो। ये देखो इस तरीके से पूरे में ये काम हो रहा है। ये आगे इस तरीके से पूरे में ऑल ओवर भरी हुई साड़ी विचित्र सिल्क पे, बस ऐसे को खास बहुत है, पूरे में काम है। मैं ये जो पीस है मेरे ऑलरेडी ऐप पे अपलोड हैं, आज अब आपको कोशिश करके मैंने वो पीस दिखा रहा हूँ जो मेरे ऐप पे अपलोड हैं। आप इसकी बुकिंग बहुत इजीली ले सकते हैं। और एक काम और है, ख़ास बात कि आप जो भी बुकिंग लेंगे, आप चाहें तो आपके आगे भी कोई रीसेलर है तो मैं उसके नाम से भी भेज दूँगा, ना आपका नाम जाएगा ना मेरा नाम जाएगा, उसके नाम से माल चला जाएगा कस्टमर्स के पास जहाँ पर भी कहते हैं। काफ़ी सारा लोग कहते हैं कि ऑनलाइन का फ़ायदा क्या, मैंने कहा ऑनलाइन का फ़ायदा ये है, अभी आप सिर्फ अपने शहर में माल बेच रहे हो, आपको दूसरे शहरों में माल बेचना है तो कैसे बेचोगे, ऑनलाइन सिंपल है। और इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रही है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप वर्क कर रहे हो। अदरवाइज़ हम जो भी करते हैं इन्वेस्टमेंट भी होता है और हमारे टाइम की कीमत, जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसकी भी पूरी कीमत होती है। अभी ये देखिए कितने सारे रंग बनाए हैं, अभी रंग ख़त्म नहीं हुए हैं, यहाँ पर आगे रख दो, अभी डिज़ाइन बन के आया है और ये सब आपके सामने आया है। और डिज़ाइन नंबर भी मैं बता देता हूँ, ये इस पर लिखा हुआ है डिज़ाइन नंबर 1685 और सबके रंग उस पर लिखा हुआ है। ये सारे पीसेज ऐप पे अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ पे चार तय में हम अपलोड करते हैं, तो आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं इस तरीके से, जैसे चाहे बुकिंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रीसेलर्स और शॉपकीपर्स वगैरह के लिए सबसे बनाया हुआ है। हटा दो, आप रख दो इसको, चॉइस सबकी अलग अलग होती है, हम भी कोशिश करके अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। स्टोन वर्क की सरीज बना रहे हैं, आज की डेट में फ्रिल वाली सरीज बना रहा हूँ। अब जैसे एक सेकंड, जैसे एक फ्रिल वाली सरीज के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रिल वाली सरीज, मैंने बहुत कुछ दिखाया है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी बन के आई है एक आइटम, कम रेट की लोग कह रहे थे सस्ते रेट की फ्रिल चाहिए, मैंने सस्ते रेट की विथ स्टिच ब्लाउज फ्रिल बनाई है और वो मैंने को ऐसे तो या तो नहीं दिखा पाया है, तो जो कस्टमर मेरी शॉप पर आ रहा है उसको देख पा रहा है, वो देख पा रहा है, ये आप मेरी ऐप पर देख सकते हो, तो वो चीज़ मैंने ऐप पे अपलोड कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ दिखा देता हूँ, ऐप पे नहीं अपलोड हो पाती, लेकिन वो चीज़ मैंने ऐप पे अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये देखिए विचित्र सिल्क पे एक और डिज़ाइन, एक अलग स्टाइल। अच्छा, सारी की सारी आइटम्स रेंज वाइज होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी हो, आप बड़े ईजीली इनको बेच सकते हैं, बहुत ईजीली बेच सकते हैं, बस ये फ़र्क है कि जिसके पास चल रहा है उसके पास आज भी स्टोन वर्क चल रहा है, जिसके पास नहीं चल रहा, नहीं बिक रहा, उनके पास नहीं बिक रहा। और ऐसा नहीं है, मेरे पास तो स्टोन वर्क की ज़्यादा अच्छी डिमांड है पिछले सालों के मुकाबले, इस साल मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दी है क्योंकि स्टोन वर्क की अच्छी डिमांड आ रही है। सारे कलर्स डिफरेंट मेटेलिक कलर्स हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, अच्छे चल रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है मेरे पास। हम रेडी टू वेयर सारीज बना रहे हैं, फ्रिल वाली सारीज बना रहे हैं। अब जैसे ये ब्लाउज सेल गया है, अब मैं इसके संग नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी दूसरे आइटम्स पे, कोई दूसरी पकड़ लो, तो आइटम बहुत तरीके बना रहे हैं, फ्रिल वाली सारीज बना रहे हैं, क्रॉप टॉप लहंगे बना रहे हैं, इम्पोर्टेड फैब्रिक की सारीज बना रहे हैं, चीज़ें तो बहुत बना रहे हैं सर, और किसी और का नहीं, अपना ही खुद का ये प्रोडक्शन है ये सारी चीज़ें। ये देखिए मिरर वर्क में, पूरे में मिरर लगे हुए हैं अंदर पूरी साड़ी में, बॉर्डर पे भी मिरर वर्क आ गया, बॉर्डर इस तरीके से बना के। और ये सारे पीसेस हमारी ऐप पे ऑलरेडी अपलोड हैं, ऐप बनाई हमने शॉपकीपर्स के हिसाब से है कि शॉपकीपर्स जो नहीं आ पाते, या ऑनलाइन जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं, वेरी इजी,
तो मेन बात है आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हुई है, अदरवाइज आप शॉप लेंगे तो शॉप का भी एक पर्टिकुलर पर्ची मतलब कॉस्ट होती है, या आपने रेंट पे भी ली तो रेंट भी तो जाएगा ही ना, दोनों साइड स्लीव्स और गला बना हुआ है, प्लस आपकी पूरे टाइम की वर्किंग। ये इस तरीके से कलर्स हो गए, ठीक है। इसका डिजाइन वाले लो, कितने मिनट की होगा? हाँ, 6 मिनट। एक चीज और दिखा दो बस। विचित्र सिल्क ही एक और डिजाइन, एक अलग स्टाइल कटवर्क बॉर्डर के साथ में, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करिए। ये इसके कलर रख देना। इसमें ये 3 कलर्स अभी माल बन के आया था। डिजाइन्स और भी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वो आप मेरी ऐप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं। ये सारे पीसेस बस आज इतने ही काफ़ी है। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। इस दिन हमारे देश का हमें अपना कानून मिला था, अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिली थी। लेकिन एक बात मैं आज ये कहना चाहूँगा, हमें कानून में बदलाव की ज़रूरत है, हमें गणतंत्र में बदलाव की ज़रूरत है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमें मिला, आज और जब मैं कहता हूँ कि 70-80 तक फिर सही था। बदलाव जब भी हुए, ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं आए, बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद हर 5 साल में ज़्यादा चेंज आ गए, हर 5 साल बाद मतलब समझो 90 के बाद ज़्यादा चेंजेस आ गए, 2000 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, और अब पिछले 5 साल में 2010 के बाद तो हर साल इतने चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडली चेंज आ रहे हैं। वी शुड हैव टू चेंज विद द टाइम, हमें समय के संग बदलना होगा, हमारे कानून को भी बदलना होगा, हमारे गणतंत्र जो अभी लिखा हुआ है उस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, हमारा है, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है। आज हर समाज में, हर धर्म में, हर समाज में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, हर समाज में, हर देश में, हर धर्म में, इवन धर्म में भी मैं ये करूँ, समय समय पर थोड़ी सी रीतियों के संग कुरीतियाँ आ जाती हैं। उसी तरीके से हमारे कानून में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। बहुत सारे कानून जो पहले के सबसे सही थे आज वो बेकार हैं, आज नहीं हो रहे। कुछ नए कानूनों की भी ज़रूरत है, चेंज आ गया ना। उस समय इंटरनेट नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, लोग इतने फास्ट नहीं थे, लोगों में इतने छल कपट नहीं थे, लोगों की इतनी ज़रूरतें नहीं थी, इतने शौक नहीं थे, इतना दिखावा नहीं था। शौक भी बढ़ गए, दिखावा भी बढ़ा, सोशल मीडिया आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो हमें नए कानून की ज़रूरत है, नई चीज़ें बहुत सारी हमें चाहिए। तो हर साल तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हर 2-3 साल में, 5 साल में तो कंफर्म है, लेकिन हर 2-3 साल में कानून पे रिव्यू करना चाहिए कि बहुत सारे कानून जो बदल जाने चाहिए। जैसे कि आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पहले ये होता था कि हर विधायक को, एमएलए को, एमपी वगैरह को, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, लेकिन ये जो मेरे पास आज की डेट में काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, 10,000 रुपये मिलते थे मंथली कि आप इसमें, और वो अनलिमिटेड कॉल करोगे, ये करो। आज की डेट में व्हाट इज़ द नीड, मोबाइल है 200 रुपये में, 150 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये में अनलिमिटेड कॉल, प्लस डाटा भी मिल रहा है, SMS भी भेज रहे हो, देन व्हाट इज़ द नीड।
वी शुड हैव टू चेंज विद द टाइम. हम बाकी गवर्नमेंट तो ये तो कर रही है, सब्सिडी बंद कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, आप आत्मनिर्भर करो सब देश. लेकिन जो हमारे एमपी एमएलए हैं, ये जो बाकी निगम जो भी हैं निगम पार्षद वगैरह, सबको सबके उनकी भी तो सब्सिडी बंद करो. उनको सब्सिडी इस पर क्यों मिल रहा है कि आपको नहीं लगता कि मेरी बात से इत्तेफाक रखते कि मैं सही कह रहा हूँ? हमें वहाँ पर भी सब्सिडी बंद करनी चाहिए. मैं यदि जब ये कहता हूँ ना कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो भी आदमी बैठे होंगे, वो गलती से कोई ये मेरी वीडियो यदि कोई प्राइम मिनिस्टर जी तक या कहीं और ऊपर के लेवल के किसी आदमी तक पहुँच जाती है, तो उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि उन्होंने कहा हाँ भाई हमें आज के डेट में ये सब चीज़ें सही हैं या गलत हैं. अब कैंटीन जो जिसके बारे में कई बार मैंने न्यूज़ में भी सुना कि आज भी वहाँ पे इतनी सस्ती दाल मिलती है कि गरीब आदमी यहाँ पे नहीं खा सकता. आप कितने सस्ते सस्ते ठेले पे या वहाँ पे भी नहीं खा सकते जो उनको 5-star फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, उस रेट में वो कैंटीन में खा रहे हैं. क्यों? उनके पैसे बढ़ा, आप जो वो बढ़ रहा है. अभी तो हम वो बात करें कि सारे के सारे ईमानदार, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे ईमानदार हैं बिल्कुल 100%. उनको इतने पैसे मिलते हैं तो उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और बाकी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है. कानून का तो रिव्यू होना चाहिए. क्यों है ऐसा? हमें आज की डेट में माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं मेरी बातें कड़वी होती हैं, बहुत सारों को कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, क्योंकि जो जिसके हिसाब से नहीं होता ना उसको बुरी लगती हैं. प्यून की ज़रूरत है, इज देयर एनी नीड? क्यों हर आप, मैंने तो मेरे एक भैया थे, है नहीं बाई चांस, तो उनसे बात हुई कनाडा से आए, कहने के एक दिन मैं कनाडा में बैंक में बैठा हुआ था, एक आदमी अंदर आया, उसने गेट खोला, उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ पे गया, उसने पानी का गिलास लिया, ठीक है, एक कप कॉफ़ी बनाई और यूँ हर एक की टेबल पे, कहने नो बड़ी केयर, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया. मैंने जरूर गर्दन उठा के देखा, फिर मैं भी अपने काम में लग गया. कहने वो हर एक के टेबल पे गया, उससे हाथ मिलाया और उसने अपना परिचय दिया. कहने जब वो मेरे पास आया तो पता चला ओह हु इज ही, उन्होंने कहा कौन है ये? उसने बताया कि मतलब ये समझो, कहने के जैसे उनका बैंक का मैनेजर था, जैसे पूरे यूपी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहने के पूरे यूपी का, बल्कि ये कहो और उससे भी बड़े लेवल का, कहने नॉर्थ का जो बैंक का मेन होली सोली है, कहने के मेन आदमी है, मैनेजर समझ लो, कहने के वो आया था बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह. उसने जाके अपने आप पानी लिया, अपने आप कॉफ़ी ली, सबसे जाके हाथ मिला रहा है हर एक की टेबल पे, और उनसे पूछ रहा है कि हाँ भाई क्या उनके बारे में, कि आपको क्या परेशानी है, क्या चाहते हो, किस तरीके से नॉर्मल बात कर रहा है. और हमारे यहाँ यदि मान लो लेट अस सपोज वो हमारे यहाँ हो जाता तो भाई साहब दो तीन दिन तो कम से कम है, और उसका ज़्यादा दिन भी काम नहीं होता. बैंड बाजा आया हुआ होता बाहर, वो बिल्कुल ऐसा कर रहे होते, पूछो नहीं, फूलों से पूरी माला सजा, पूरा बैंक सजाया हुआ होता कि भाई साहब आए हैं. उसके बाद उसकी ऐसे वो कर रहे होते हाथ उतार के, पूछो नहीं, सिस्टम नहीं है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? तो इस तरीके से बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है. आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. मतलब आप तो खैर कर क्या सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऊपर की किसी लेवल के आदमी पे पहुंच जाए, तो कम से कम ध्यान दें कि रिव्यू की ज़रूरत है या नहीं है, या आप में से जो भी कुछ कर सकते हैं, कोई वकील वगैरह या कोई इस तरीके से पिटीशन डाल सकते हैं तो डालनी चाहिए. हम लोगों को इन चीज़ों का ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए, समाज को इसकी ज़रूरत है. बाकी आपको मेरी बात सही लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मुझे कोई सजेशन देना चाहें या कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें. इसी तरह प्यार देते रहिए. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.